Schmottern Family. अरे अंगूरी माँ बस भी कर दे, सुबह से आपका डांस देख देख के मैं थक चुकी हूँ। वैसे भी तू थकी हुई है, तू क्या जाने के डांस का लेवल क्या होता है, क्या समझेगी तू? अरे डांस में भी कोई समझने की चीज है भला? अरे ये एक आर्ट है, आर्ट। आर्ट? इसमें कौन सा आर्ट है, मुझे तो कोई आर्ट नहीं नजर आ रहा। ये तेरी जलन है, जलन, तेरी जलन है। लो भला, मेरे मैदे की जलन से डांस का क्या ताल्लुक? अरे मैदे का नहीं, ये तेरे दिल में जो जलन है ना मेरी कला को लेके, इसलिए जल रही है तू। हो हो, ये आपकी सोच है, डांस जो है वो सीखा जाता है, अंदर से नहीं आता किसी को। वैसे तो अंगूरी को सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन एक डांस टीचर को बुला लिया। एक और नई मुसीबत, क्या अंदर अंदर बड़बड़ा रही है? आ, नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ अंगूरी माँ, इस उम्र में क्या जरूरत है आपको डांस सीखने की? एंजॉय करूंगी, खुद को फिट और एक्टिव रखूंगी। मैं भी फिट होना चाहती हूँ। लेकिन तू ढीली अच्छी लगती है, लेकिन तेरी जिद है ना, एसएसए से बात करके किसी न किसी केस में आज तेरे को फिट कराती हूँ। शकर भंडारे बुरा पिया मुझसे मिलने आयो, शकर भंडारे बुरा पिया मुझसे मिलने आयो, गिड़गिड़ हंसी दूर उदासी जानन भी दे दिल भी, गिड़गिड़ हंसी दूर उदासी जानन भी दे खिल भी हंसी, लुलू ठंडावे ओए लुलू ठंडावे, ओ लुलू ठंडावे बुरा पिया मुझसे मिलने आयो, शकर भंडारे ओ शकर भंडारे। हाय, अबे क्या नमूना छोड़ दिया ये घर के अंदर भाई? अरे ये नमूने नहीं है, ये टोनी कक्कर, नहीं नहीं वो तो गाने गाता था, ये टोनी भाई है डांसर, ये हमारे डांस टीचर है। नमूने नहीं है। अच्छा जैसा मैं करूंगा वैसा आप लोग करना है, 1 2 3 4। शकर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलने आ, गिड़गिड़ हंसी दूर उदासी जानन भी दे दिल भी हंसी, गिड़गिड़ हंसी दूर उदासी। अबे बनकर भाई, अबे क्या है ये, क्या मैं जलेबी बनाने के तरीके बता रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं आता यार। सर ये देखे, मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। तबीयत से बुरा कर रहे हो आप। अरे क्या हो गया, क्या हो गया भाई, तुझसे तो अच्छा ही कर रहा है, अगर किसी चौक पे यूं दो ठुमके लगाए ना 25-30 रुपए तो कमाई लेगा। देखो अगर ज्यादा बदतमीजी की ना तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अबे कौन सी क्लास, तू क्या इधर माशूर तुलूम या रियाजी का पेपर लेने आया, हमारा क्लास से निकाल देगा। तू चाहता है कि मैं तेरी क्लास यहीं ले लूं? अरे सर इनको छोड़े, इनको छोड़े, इनकी क्लास छोड़े, मुझे देखे मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। ओहो तुम बहुत बुरा कर रहे हो, किधर है अंगूरी, वेयर इज अंगूरी? बस करो भाई, धरले से नाम ले रहे हैं। अबे बाजी लगा ले, दादी लगा ले, माँ लगा ले, बहन लगा ले, पोपो लगा ले, खाला लगा ले, बुढ़िया हो रखा हमारी दादी का अपमान कर रहा है यार। क्या बकवास करो, ऐसा ठुमका मार के ना तुम्हारी जान ले लूंगा, जान। हाँ सर जी आप गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, मैं भी अंगूरी दादी को बुला कर लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी जाए प्लीज, जल्दी जाए। सर मैं 2 मिनट में जाऊंगा, 10 मिनट में वापस आऊंगा। 2 मिनट में जाऊंगा, 10 मिनट क्यों सर? वॉशरूम, वॉशरूम। दादी दादी कितनी देर से तुम मुझे घूर रहे हो, कम से कम चाय पानी का ही पूछ लो। मैं मुझे क्या पुलिस वाला समझाए, तुझे तो मैं गोले गंडे का ना पूछूं। सुल्तान क्या ये खबर सच है, अंगूरी माँ ने डांस टीचर बुलवाया? अब मैं क्या आपको खबरें देने वाला नजर आता हूँ? बात को घुमाए मत, अंगूरी माँ ने जो डांस टीचर बुलवाया है उसकी फीस के पैसे आपने दिए? एक तो पता नहीं इस घर में आपका मुखबर कौन है भाई। सुल्तान मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। जी बिल्कुल। आप हर बार बेवकूफ क्यों बन जाते? जैसे आपकी बारी में बना था बेगम, मेरा मतलब उनको जरूरत थी। ये कैसी अजीबो गरीब जरूरत है? भाई जरूरत तो जरूरत होती है, अजीबो गरीब क्या? खैर दफा करें। अजीबो गरीब को? अरे जरूरत को। आपने उनकी फीस के पैसे क्यों दिए? डॉक्टर ने कहा था। क्या डॉक्टर ने कहा था? भाई असल में मुझे उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई थी जिसके अंदर उनके बॉडी में डांस के सेल कम थे। सुल्तान क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे भाई ये मेडिकल साइंस की बातें हैं, आपकी समझ में नहीं आएंगी। सुल्तान आपने बेवकूफ समझ रखा है क्या? ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स आ गई जिसमें डांस सेल्स कम आते हैं? अरे बेगम आप कभी मेरी मान भी लिया करें भाई, हर वक्त देर होशियारी झाड़ती रहती है। ओ हेलो, मैंने भी मेडिकल साइंस पढ़ी है, इंसान की बॉडी में कोई डांस सेल नहीं होते। हाँ अलबत्ता एक न्यू सेल जरूर आए। और वो कौन से बताए जरा? बेवकूफी के, और उनकी मिकदार आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो गई है। हैं? अंगूरी अंगूरी अंगूरी
अंगूरी कहाँ चलेगी अंगूरी? चलो इस रूम में तो कोई भी नहीं है, जब तक डांस कर लेते हैं। डांस 1 2 3 4 5 6 ओ हेलो, तुम कौन और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अंधी हो क्या, नजर नहीं आ रहा? डांस कर रहा हूँ। किस खुशी में? जी मेरा बेटा हूँ। अरे पगली, डांस टीचर हूँ। डांस टीचर? तुम्हें किसने बुलाया है? अंगूरी ने। अब पता नहीं कौन से ड्रामे शुरू हो गए। ड्रामे नहीं, ये डांस है मेरी जान, डांस। ओ हेलो, तमीज से, ये जान किसको बोला है? मैं किरण हूँ, किरण। उफ़ल्ला, कितना इतराती हो तुम। मैं क्यों इतराऊंगी? उफ़ल्ला, ये इतरा नहीं रही तो और क्या है। वैसे तुम बहुत बड़ी स्मार्ट, क्या डांस वांस करती हो? जरूरी नहीं कि जो स्मार्ट हो वो डांस ही करे। नहीं, तुम्हारी बॉडी से लग रहा है, थोड़ी सी बॉडी यूं यूं करो, खूबसूरती तो आ ही जाती है बॉडी में। यहाँ से निकलो और अंगूरी दादी के पास जाओ। एक तो कमबख्त, ये अंगूरी पता नहीं कहाँ रह गई। तुमने बुराई की और हम चले आए। एक तो इनके अचानक आने जाने वाले मसले पता नहीं कब खत्म होंगे। अंगूरी तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं खुद तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन जब तुमने मेरी बुराई की तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ आ गई। मैंने तो तुम्हारा कितनी बार नाम लिया, अंगूरी अंगूरी अंगूरी। दिल से बुराई करता तो कब से आ जाती। चल आ जा, यहाँ कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम। चल डांस करते हैं, मेरा कब से डांस निकला जा रहा है। आए, चलो ना हम डांस करते, तुम्हारा डांस भी निकल रहा है, चले ना आप भी। जी नहीं, शुक्रिया। कैसी हो रुकैया, क्या तुमने मुझे बिल्कुल भी स्नेह किया? अरे आई जी साहब, आप कौन सा दुनिया फानी से चले गए थे जो मैं आपको याद करती? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपनी जिंदगी के झमेलों में इस कदर उलझी हुई थी कि मुझे आपको याद करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, मुझे पता चला है कि घर में कोई डांस टीचर आया हुआ है। जी बिल्कुल, मगर ये खबर आपको किसने दी? क्या बात कर रही हो रुकैया, अरे मेरा तो काम है हर बात की खबर रखना। खबर रखना तो न्यूज वालों का काम होता है, ना के पुलिस वालों का। देखिए मुझे बहुत काम है, क्या मैं फोन रख सकती हूँ? अरे रुकैया, अगर मैं ना भी कहूँगा ना तब भी तुम फोन रख दोगी। अरे आई जी साहब, आप मुझे कितना जानते। हाँ रुकैया, ये बात तो सच है, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। फिर भी आप नहीं समझ रहे। मैं तो सब समझ रहा हूँ रुकैया, मगर तुम अनजान बन रही हो। कुछ चीजों से अनजान रहने ही में खैर है। क्या बात है, बड़ी गहरी बातें करने लग गई हो हैं? मैं तो हटा देने वाली ही बातें करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया। उसे सरप्राइज ही रहने दे, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। रुकैया, ऐ रुकैया, बड़ी नादान लड़की। 1 2 3 4 तारे चोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। ओह ये नहीं है ना, ये स्टेप यूं है घूंघट। अच्छा ये कर, यस ये इस तरह मूव है आपकी, और कमर की पूरी मूव करनी है ऐसे करके, हाथों के स्टाइल भी पूरा ही करना है। ठीक है, दोबारा से करें? ठीक है, लेकिन जरा ध्यान में रखना ये कमर नहीं है, पूरा कमरा है बेटा। चले कोई बात नहीं, स्टार्ट करें। 1 2 3 4 तारे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी, छा गई। मास्टर जी मास्टर जी, एक आध स्टेप मुझे भी सिखा दे यार। तू स्टेप सीख के क्या करेगा मेरा बच्चा, तेरे को देख के तो लोगों की हंसी निकल जाएंगी। आपको पता है हंसी के साथ जान भी निकल सकती है। हाँ भाई, जिसका जो निकलता है निकल जाए, मुझे डांस स्टेप दिखाकर किसी को इम्प्रेस करना है दादी। सब समझ रही हूँ, किसको इम्प्रेस करना है तूने? पांडे, किसे इम्प्रेस करना है बता दूं? अरे नहीं दादी नहीं, रहने दे भाई। नहीं नहीं बता दे। अरे नहीं दादी नहीं, क्यों पिटवाने वाले काम कर रही है? अब बताए ना किसे इम्प्रेस करना है। अरे भाई, आपके अलावा और कौन हो सकता है कि जिसे मैं इम्प्रेस करूं? क्यों नहीं हो सकता, और आपने मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कहाँ की है? अरे भाई, वो लालू खेत से मैंने आपको 3 सूट और 2 हील वाली सैंडलें आपको इम्प्रेस करने के लिए ही तो दिलाई थी। अच्छा, सूट और सैंडल दिला के मुझे इम्प्रेस कर रहे थे? एक्सक्यूज मी, ये एमएमवी का ड्रामा बंद करें, यहाँ क्लास हो रही है, नो डिस्टर्ब मी, ओके? सही कहा आपने, अब छोड़ो ना इनको बाबा, मेरे को आप स्टेप सिखाओ ना गुलाटी वाला। अच्छा, अच्छा। गुलाटी वाला? अरे तू जा ना बाबा, क्यों दिमाग खराब करती है? ए सुल्तान, बीवी को कंट्रोल कर, चल। ओ, कब सुल्तान मुझे कंट्रोल करेंगे? अरे भला मैं कौन होता हूँ इनको कंट्रोल करने वाला। वैसे सासुमा, अगर आप इस एज में डांस सीख ले तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बेरोज, इस उम्र में डांस सीखते हुए बड़ी अच्छी लगूंगी मैं। सही बोल रही है वो, इस उम्र में डांस सीखने की बातें कर रहा है। अबे गुसल देना सीखे, ज़कात निकालना सीखे, तू क्या सिखवा रहा है, डांस यार, तौबा यार। ए मुंह संभाल के मुजाहिद, 30 साल की औरत
मैं तुझे इतनी उम्र की लगने लगी अपनी आंखों का इलाज करा, और अगर मैंने गुसल देना सीख लिया ना किसी आदमी से खड़े होकर, सबसे पहला गुसल तेरा दिलवाऊंगी मैं। बिल्कुल सही कहा आपने, माशाल्लाह से आपको देखिए तो सही कितनी ग्रेसफुल लगती है आप, है ना, रेखा लगती है रेखा। ए, चल झूठे है, जिया बच्चन कहता तो कुछ बात दिल को भी लगती, वैसे थैंक यू रेखा भी कहने का। अरे जिया बच्चन का बचपन बोलो तो समझ में आता है, जिया बच्चन, अबे भाई जो काम है वो बोल, इतना मस्का क्यों लगा रहा है? ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरा मतलब इनसे कोई काम, इनसे ये कैसी छोटी बात कर दिया आपने, मेरा तो इनसे एक अजीम रिश्ता है, आपको पता है माँ और बेटे का। मुजाहिद मुझे भी ये ना कुछ ज्यादा ही लग रहा है आज, काम बता क्या काम है। हाँ, काम तो कुछ नहीं था सासू माँ, बस मेरी जेब है ना थोड़ी सी खाली है। ये तो हमेशा से खाली रहती है। हाँ भर जाएगी, कोई मसला थोड़ी ना, बस आप जरा मदद करवा दें तो। कैसी मदद? ओ सासू माँ, वो बात दरअसल ये, मुझे एक बहुत अच्छी शाही नौकरी मिल रही है जिसके लिए मुझे इस्लामाबाद जाना है। अरे तो देर किस लिए कर रहा है, जा फौरन। हाँ, चला तो जाऊँ, मगर मेरे जेब में ना एक टका तक नहीं है। अरे टका तो मेरे पास भी नहीं है। अरे क्या तुम दोनों टके की बातें कर रहे हो, ना मेरे बाप ने टका देखा, ना मेरी माँ ने, ना मेरे दादा ने, किसी ने टके की बात नहीं करी, आप लोग टका टका कर रहे हो यार। अरे चुप कर जा, दो टके के आदमी। अरे मैं ये कह रहा था छोड़िए ना टके को। सासू माँ अगर आप चाहें तो मेरा बहुत अच्छा काम हो सकता है, आप प्लीज मेरी जाके भाभी माँ से बात करें कुछ पैसों की, अगर वो आपको दे देंगी मेरी जैसी नौकरी लगेगी मैं आपको पैसे भेजूंगा, आधे आप किसके उतारना आधे आप रख लेना, मेरी जिंदगी बन जाएगी। डील तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहरोज तुझे नहीं पता आजकल खड़े खड़े किरण जलील कर देती है। सासू माँ बस मैं एक बात जानता हूँ, आप अगर चाहें तो ये काम करवा सकती है, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बच्चों की तरह जिद नहीं कर, तेरी खातिर एक दफा और जलील होके देखती हूँ उससे। मेरे लिए थोड़ा सा और हो जाना। है तू फौरन आ जाता है इमदाद लेने के लिए, ना रिश्तेदारी ना कोई हमारा तेरे से नाता ना रिश्ता, चल दफा हो यहाँ से, हर वक्त यही पड़ा था भीख मंगा, ये दिला दो वो दिला दो, ये खिला दो वो पिला दो। बस रुकैया खाला बस, मुजाहिद को इतना गिरा हुआ मत समझना, आप भूल रही हो वो दिन जब यही मुजाहिद लंगर लूट के लाता था बिरयानी के, तो तुम उसमें से आलू और बोटी ढूंढ के कैसे खाती थी। चुप हो जा, गड़े मुर्दे मत खा, चुप, चाय पिला दे इसे, चुप हो जाएगा अभी दो कौड़ी का आदमी। 1 2 3 4 दिल ये बेचैन रे, रस्ते पे नैन रे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है नाताल है, आजा सवरिया आ आ आ आ, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। वेल डन अंगूरी। क्या हाल है अंगूरी? मैं तो ठीक हूँ, जहाँ तक मुझे याद है कि आज तो मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, फिर कैसे आया है जी? तू क्यों परेशान हो रही अंगूरी? मैं तुझसे थोड़ा ही, मैं तो अपने भतीजे टोनी से मिलने आया। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ये तेरा चाचा है, तेरे को कोई और नहीं मिला? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे को इसको देख के अच्छा नहीं लगा, वो असल में दुनिया बहुत छोटी है ना, तो तेरे को छोटी दुनिया में जल्दी मिल गया होगा। अंकल आप रेडी हैं? आई एम रेडी द फाइन ओए। अरे इसको क्यों रेडी करा रहा है? मैंने आपका पैर चाचू के साथ बना दिया, अब से ही आपके डांस पार्टनर होंगे। अरे क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे को यही मिला बेताला? अरे मैंने काफी लोगों से आपका नाम लिया था, सब ने आपका नाम सुनते ही मना कर दिया, एक चाचू ही थे जिन्होंने कहा कि मैं इनके साथ डांस करूंगा। अरे तो इनको डांस कहाँ आता है? आपको नहीं पता चाचू बहुत अच्छा डांस करते हैं, स्टार्ट में आईजी चाचू मेरे डांस टीचर भी रहे। हो गया हमारा काम, जीत लिया हम लोगों ने मुकाबला। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता मेरे पास कुछ नहीं है? झूठ मत बोल किरण, मैंने खुद तेरी अलमारी में नोटों की इतनी मोटी गड्डी देखी है। अलमारी? आपने मेरी अलमारी चेक की, वो भी बिना इजाजत के? अरे अलमारी है, कोई सरकारी इदारा नहीं है जिसे खोलने के लिए इजाजत की जरूरत पड़े। अम्मा सुल्तान को देखो क्या हो गया। अरे मुझे और भी काम है उसके देखने के सिवा। अम्मा अच्छा बता क्या काम है? अम्मा सुल्तान डांस सीख रहे हैं। अरे अच्छा है ना कुछ तो सीख रहा है। आप भी सीख ले। ओ हेलो, डांस सीखने की बात कर रही हो? मैं अपने जमाने में ना कोरियोग्राफर थी। अम्मा कोरियोग्राफर? अरे हाँ मुझे मत समझा, वही जो ये कह रही है पकड़ो इन्हें। हाय मैं कौन सी भागी जा रही हूँ जो पकड़ो इन्हें। सुनो सुनो घर वालों, गौर से ऐलान सुनो, अंगूरी दादी ने कहा है जल्दी से तैयार होके सब लोग लॉन में आ जाओ। तैयार होके इसका क्या मतलब है? ये उनका हुक्म है कि इस घर का एक एक अपराध डांस सीखेगा, और जो मना करेगा वो अपना बोरिया बिस्तर समेटे घर से कल्टी हो जाए। जबरदस्ती है क्या? हाँ
चलो भाई, मैं तो जंग के मूड में नहीं हूँ, जो कह रही है वो कर लो। ठीक है, मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। वेरी गुड गर्ल। मैं हूँ मगरूर लैला, चांद का नूर लैला, दीदी मगरूर लैला, चांद का नूर लैला, किसी के हाथ ना आएगी ये लैला। ये नहीं करना। अच्छा ये नहीं करना, तू नाराज होता है ना तो दूसरा कर लेती हूँ। अच्छा करें। चले हवालदार, चल डबल सवारी खुल गई है, पकड़ मेरे को। Every night is my heart is moon, ये कार्यों की नींद नहीं रही है, क्या खबर ना। ओह ये भी नहीं करना। तो क्या करना, एक दफा बता ना। जो सिखाया वही करना है और सबने करना है। अच्छा ओके ओके, चले तेरा काम खत्म। 1 2 3। आईजी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख लो रुकैया, तुमने तो हमें नहीं बुलाया, लेकिन हम खुद ही चले आए। जब कोई ना बुलाया करे ना तो समझ जाना चाहिए। बहुत बुरी बात है ये, बहुत बुरी। अरे क्या बातें कर रही है तू, इतना समझदार होता तो यहाँ होता ही। चले टूटी शुरू करा, चल। टूटी नहीं, टोनी। अरे हाँ भाई, वही जो भी है, टोनी मोनी। चल शुरू करा, मैं शुरू करती हूँ। हाँ चलो। 1 2 3 4। मैं हूँ मगरूर लैला, चांद का नूर लैला, फूल सी दिल लशी हूँ, सब कहे माजबी हूँ, किसी के हाथ ना आएगी ये लैला। गुड गुड, बहुत अच्छे। अब देख ले सब, सबने इसी तरह डांस करना है, ठीक है? आ जाए मेरे साथ, आए आप सामने आए, आ जाए ना मेरे साथ प्लीज। चले आ जाए, थोड़ा थोड़ा कर ले, हल्की आंच पे आ जाए। आ जाए इधर, आ जाए इधर, आ जाए। शाबाश। मैं हूँ मगरूर लैला, चांद का नूर लैला, फूल सी दिल नशी हूँ, सब कहे माज भी हूँ, किसी के हाथ ना आएगी ये लैला। हेलो, हाँ बेरोज निकल जा, चल चल ठीक है, ख्याल से जाना। ओके ओके। किसका फोन था? बेरोज का, इस्लामाबाद के लिए निकल गया। लेकिन उसके पास पैसे कहाँ से आए? एक मिनट। या अल्लाह, खैर इसको अचानक कौन सा दौरा पड़ गया, चली गई। बेरोज मेरे पैसे लेके भाग गया। Oh my God, इस घर में चोर भी है? इस घर में आपको हर किस्म के कैरेक्टर मिलेंगे। आईजी साहब, बेरोज मेरे पैसे लेके भाग गया। तुम फिकर मत करो, मैं उससे शहर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। One second। मेरा मोबाइल नहीं है जेब में, लगता है वो लेके भाग गया है। ए थत्ते की रबड़ी, झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा बेरोज तेरा मोबाइल लेके नहीं जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? ए वो घर की चोरी कर सकता है, बाहर की नहीं, समझे? बाहर का चोर एक ही है, पहचान कौन? ए मैं नहीं हूँ, वो है मुजाहिद। इसकी जेब में होगा टूटी का मोबाइल। मुझे नहीं पता मेरी जेब में कैसे आया जी साहब मोबाइल। जादू? हाँ, जादू। उठाने चल तेरे, जादू और करतब तेरे को लाकर में सिखाऊंगा मैं, चल। दादी बचाओ। चल दफा हो, मेरे से डबल क्रॉस करता है, मेरे को शामिल करता तो आज तेरा साथ देती। तो मतलब आप बेहरोज के साथ मिली हुई थी? जाहिर है, यहाँ पे कोई भी काम मेरी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। आईजी साहब पकड़े इन्हें। नहीं भाई, मैं नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ रहे? अरे मैं जब भी इसे पकड़ता हूँ, या तो ये खुद गायब हो जाती है या मुझे गायब कर देती है। दो दफा गायब किया, गुजर नाले से लियारी नदी पर निकले, ये शॉपिंग बैग ढूंढे थे, मैंने बोला यहाँ क्या कर रहे हो, बोले स्विमिंग सीखने आया हूँ। अरे मगर नहीं भाई, नहीं मैं इस मामले में नहीं पड़ा बीच में। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। निकाले मेरे पैसे। और किसी को पकड़ना है मुझे?